बराबर। देखिए क्योंकि रेशियो जो होता बकरों के अंदर 50-50 एक एवरेज निकालते हैं, अगर 40 किलो का बकरा है तो 20-22 किलो उसके अंदर गोश्त आ जाता है आराम से। तो अभी ये जो बच्चे हैं ये सारे सेल के? हाँ ये सब सेल है। ये जो बच्चा है नर बच्चा है ना? नर बच्चा है। कितने महीने के बाद में खसी करवाते हैं? 4-5 महीने के बाद। 4-5 महीने के बाद। तो ये बच्चा अगर किसी को चाहिए तो क्या रेट में देंगे आप? ये 18,000। 18,000 में दे देंगे। और ये बोलने वाला रेट है इसमें कुछ कम भी हो जाएगा? थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा। उमर भाई ये जो हाईजेक ब्रीड है जी, ये शौकीन भाई बनाए करके आप बता रहे हैं, तो पहले भी लोग करे है ना ये जो सुजत पे हैदराबादी लगाए ना? जैसे पहले भी एक पतीरा ब्रीड थी और उससे हैदराबादी मेल से अगर ब्रीडिंग लिए तो जो रिजल्ट आया था वो हाईपैड का जी, जी, और हाईपैड भी रजिस्टर्ड हो गई इंशाल्लाह बहुत जल्द। यानी शौकीन भाई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं, दाल भी दिए, यानी इनका बकरा बकरियां ऑलरेडी टेस्टिंग में है पहुंचे हुए, तो ये बहुत जल्द ब्रीड का नाम भी रजिस्टर्ड हो जाने वाला है हाईजेक के नाम। जो रिजल्ट है इसकी खूबी है, यानी इनकी जो कोशिश थी कुर्बानी के अंदर खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करना है, और हैदराबादी कानों के हिसाब से उसके आंख की वजह से उसकी लेंथ की कलर की वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत होता, लेकिन शौक वाले एक ब्रीड है। बकरियों में काफी सारी ब्रीड से लेकिन हैदराबादी लाखों में होती प्योर क्वालिटी में अगर आप जा रहे हैं तो। हाईजेट एक ऐसी नस्ल बन रही जिसके कान भी बड़े आ रहे हैं और है तो क्रॉस में लेकिन एक हिसाब में बड़े हो रहे हैं कान, और गले की झालर भी बहुत अच्छी हो रही। सोजत की जो हाइट लेंथ होती वो क्वालिटी उन बच्चों में आ रही, तो बकरा बहुत बड़े फ्रेम का बन रहा। इसके खसी बड़े बकरे क्या वेट तक जा रहे हैं? 100 किलो 120 किलो तक हो जाता है। 100 किलो 120 6 दांत तक है इसमें वादी का। कितने दांत की फीमेल है? 6 दांत और ये वाली 6 दांत पे। और ये दोनों गबन है? हाँ दोनों 3.5-3 महीने की। 3.5 महीने की। तो आप दोनों का भी तारुफ चाहूंगा शौकीन भाई। आपके जो बाजू है इकबाल भाई है? इकबाल भाई जी। और इकबाल भाई कौन सी नस्ल में काम करते हैं आप? भाई मैं सोजत। हाँ कुत्ता से पालते हैं। और अपने तोतापुरी। तोतापुरी। और रफी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहीं पर रहते हैं ना? हाँ जी। और आपका भी काम यही है? यही काम है जी। एक और भाई है हमारे साथ, इमरान भाई। इमरान भाई फिर से भाई। देखिए ये सारे जो फार्मर्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारे किसान हैं और इनके घर के जो बकरियां हैं पलने वाले जो सेल के लिए, ये सारी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। और मैं सिर्फ आप लोगों के फार्म के नाम पूछना चाहूंगा, आपके फार्म का नाम? अफरीन गोट फार्म। अफरीन गोट फार्म। और आपके फार्म का नाम इमरान भाई? अलीशा गोट फार्म। अलीशा गोट फार्म भिलवाड़ा अगर लगा देंगे साथ में तो ये सीधा आप लोगों के डायरेक्ट वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। एक बार भाई आपके फार्म का नाम? तोसीम गोट फार्म राजस्थान भिलवाड़ा मांडल तहसील रोपड़ा। तोसीम गोट फार्म भिलवाड़ा अगर आप लोग सर्च कर लेंगे तो यहाँ के वीडियोस मिल जाएंगे और उनके नंबर भी मिल जाएंगे। तो शौकीन भाई अभी आपके घर का सेटअप है जी, और नॉर्मली यानी कभी ऐसा हुआ ही नहीं आपके पास बच्चे है और उसका वीडियो बनाना पड़ा जी, जी, उतनी जल्दी से सेल हो रहा ना? उतनी जल्दी से। एक और बच्चा आ गया आपके पास, ये कौन सी ब्रीड से लिए हुए आप? ये कोटा हैदराबादी। ये भी कोटा हैदराबादी से? बिल्कुल बहुत खूब। इसमें मेल फीमेल सब मिल जाएंगे? मेल फीमेल सब मिल जाएंगे। और बच्चे नॉर्मली 15,000 से 20,000 तक का रेंज में ये भी अवेलेबल हो जाएंगे? जी जी। ठीक है, मेल फीमेल भी मिलेंगे, ब्रीडिंग सेटअप कर सकते हैं आप। बड़े बकरियां शौकीन भाई वाले बकरे से लोड है ये? हैदराबादी बकरे से? हैदराबादी से लोड है। ओके। और नॉर्मली कहाँ पर सेल ज्यादा हो रहा है आपका, यानी कहाँ के लोग ले रहे हैं? भिलवाड़ा में?